चलिए इसी के साथ नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ा एक और अपडेट सामने आया है। आपको बता दें, हत्याकांड में शामिल शूटर और पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। जी हां, उमेश को गोली मारने वाले विजय का एनकाउंटर, 50,000 का इनामी था शूटर विजय उर्फ उस्मान, इनामी शूटर विजय मुठभेड़ में ढेर हो गया है। बड़ा अपडेट उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा आपको दे रहे हैं एक्सक्लूसिव एमके न्यूज पर। जहां हत्याकांड में शामिल शूटर और पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें उमेश को गोली मारने वाला विजय का एनकाउंटर जो है हो गया, 50,000 का इनामी था ये विजय उर्फ उस्मान, उस्मान नाम था इसका, और विजय नाम से जो है इसने अपनी सारी पहचान बना के रखी थी। उमेश को गोली मारने वाला यही था और एनकाउंटर जो है इसका हो गया, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, 50,000 का इनामी था विजय उर्फ उस्मान। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं उमेश पाल हत्याकांड का। आए दिन लगातार जो है एक नए अपडेट, नई कड़िया इस हत्याकांड से जुड़ी सामने आती रही है। और आज एक बड़ा अपडेट, बड़ी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई, जिसमें एनकाउंटर की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई, मुठभेड़ की वजह से पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा। पुलिस को चकमा देखकर भाग रहा था ये आरोपी। तो बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। जहां उमेश हत्याकांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको एक्सक्लूसिव एमके न्यूज बता रहा है, जहां 50,000 का इनामी शूटर विजय उर्फ उस्मान का एनकाउंटर पुलिस द्वारा किया गया है।